फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जसवाल डीजे ब्लॉगर। तो गाइस, आप जैसा देख सकते हैं आज संडे है, तो थोड़ा सोचा मैं कुछ फ़न करूं और इस बार मैं थोड़ा नया ब्लॉग लाने वाला हूं। अब बफे छोड़ के कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो मैं सोचा रिकॉर्ड करूं आपके साथ, और ये लखनऊ की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, जो विंटेज मशीन, जो आपने नाम सुना ही होगा, ये बेस्ट बार है और डीजे नाइट भी होने वाली है। सो गाइस, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और गाइस, मेरी पुरानी वीडियो को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने मैशअप का बनाया है। और व्हाट अबाउट एड्रेस की बात बता दूँ, सेम वहीं है, इस समिट बिल्डिंग में, बेस में, आपका विंटेज मशीन के नाम से। सो गाइस, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कैसा है सीन। चलते हैं बैक स्क्रीन पर। ये है विंटेज मशीन, ये एंट्री सीन है। यहाँ से आपका एंट्री होगी। आज तो फिलहाल संडे नाइट है, लेकिन कवर कोई चार्जेस नहीं है, तो आज तो मज़ा आ गई। अदरवाइज वहाँ पे चार्जेस रहते हैं 1000 से 2000 रुपीज़ का। तो गाइस, चलते हैं हम लोग और रिकॉर्ड करते हैं कैसा यहाँ का सीन है, और अच्छा लगेगा तो आपको, और आप लोग भी आइएगा। लेट्स गो फॉर एन एंट्री, विंटेज मशीन 2.0। ओहो, स्वागत नहीं करोगे हमारा। एंट्री वक्त हमारा एक पहले ही फ़ोटो कैप्चर मोमेंट का एक सीन है। बॉटल बनी हुई है, तो एक लुक एंट्री का बहुत ही अच्छा है। और साइड में ये कॉफ़ी रोस्टर है, जो कॉफ़ी लवर है तो वहाँ डेफिनेटली है। एंड देन ये आपकी एक टैगलाइन जो आजकल हर जगह फेमस है, व्हेन यू स्टार्ट अ कल्चर यू बिकम अ कल्चर, ये विंटेज मशीन की टैगलाइन है। अगर आप हर मेन्यू में देखेंगे तो ये हर जगह इनकी टैगलाइन है। और सिटिंग कैपेसिटी तो ऑल ओवर गुड है। देन जो साइलेंट बैठना चाहते हैं और जो टॉक करना, कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही वैल्यूबल प्लेस है ये। कि इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, अभी तक तो शांत है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि आज संडे होगा, रश होगा, लेकिन आज इतना रश नहीं था। और देन ये अलग से एक हमारा कॉफ़ी सेक्शन है, तो कॉफ़ी सेक्शन कॉफ़ी लवर के लिए भी डेफिनेटली ये प्लेस है जो आए हो, कि यहाँ का मैंने सुना है रिव्यू की कॉफ़ी बहुत अच्छी, बेस्ट है। देन एक सेल्फी तो बनती है। देन आपका जैसे सेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये वॉशरूम है यहाँ साइड में। और देन ये आपका डीजे का व्यू है। करेंटली भी डीजे चालू नहीं हुआ, क्योंकि यार डीजे नाइट है, सुनने में आ रहा था 10 बजे तक स्टार्ट होगी, लेकिन हम लोग अभी 9 बजे तक आए हैं। और ये बार सेक्शन के कुछ ब्रांड्स हैं जो ये प्रमोट करते हैं और जो प्रोवाइड कराते हैं। ये बार का सेक्शन है, वो कॉफ़ी सेक्शन था, ये बार सेक्शन है, जो बार लवर है तो वो उनके लिए भी ये प्लेस बेस्ट है। और अभी मैं आपको मेन्यू भी दिखाऊँगा। यह इनका किचन है, स्टाफ का एंट्री है। देन आपका बार सेक्शन अच्छा है, फिलहाल अभी हम लोग ट्राई करेंगे क्या है। देन ये आयुष और लोहित बैठे हैं, वो हमारी सीट है जहाँ पे हम लोग ने अभी बैठा है। एंड ऑल ओवर अभी लक तो अच्छा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है। ये लोहित ने भी ऑर्डर किया है, मैं इसको बाद में रिवील करूँगी क्या ऑर्डर किया लोहित ने। देन आपको थोड़ा सा एक अंदर का सेक्शन और भी है, जो डीजे से हट के अगर बात करना चाहते हैं, या फिर अंदर जो म्यूज़िक लवर नहीं है, अगर उनको शांत चीज़ पसंद है, तो वो अंदर भी बैठ सकते हैं। ये अंदर का सेक्शन भी, स्मोकिंग जोन भी है यहाँ पे, एज अ गुड वाइब्स ओनली। या डेफिनेटली अगर आप अंदर आएंगे तो गुड वाइब्स ही प्रेजेंट मिलेगी। और ये अंदर जॉनी वॉकर का एक सिंबल है, और एक मेरा सेल्फी एक और बनती है, सेल्फी ले ले भैया। और अंदर ऑल व्यू अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सोचा था समिट बिल्डिंग में जो एक विंटेज मशीन का होगा, उतना मुझे नहीं भा रहा है। देन वी विल ट्राई। देन मेन्यू, ये हमारा फूड सेक्शन का मेन्यू है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, प्राइस ऑल ओवर जो लिखे हुए हैं वो एक पर एक प्राइस लिखा हुआ है, और डिशेस अलग अलग है। अभी हम लोगों ने कूलर्स मंगवाए हैं, 2 कूलर्स, मैं आपको रिवील करूँगा आगे क्या क्या है। ऑल ओवर शेक्स रेट्स लेकिन इसके हाई हैं, बात एक समिट बिल्डिंग है तो यहाँ के रेट ज़रूर हाई होंगे, कि ये सारे यहाँ के पब और बार जो हैं वो सारे कॉस्टली हैं। अगर आप नॉर्मल अगर स्पेंड करते हैं वीकेंड में 1000 to 2000 रुपीज़, तो उनके लिए आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने भी प्लेटर्स मंगवाया है, वो भी हम लोग रिवील करेंगे आगे क्या मंगवाया। एशियन प्लेटर भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, मे बी वो आने वाला है, मैक्सिमम फूड बार है। तो आज हम लोग तो ये बस एक बार प्लेस ट्राई करने आए थे कि कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा क्या है। सुनना तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी एक बार लेट्स सी, देखते हैं। मैं आपको एक बार फूड सेक्शन का रिव्यू करा दिया मैंने, जो थोड़ा जल्दी लेकर आया है, क्योंकि फूड मेन्यू बहुत ही बड़ा है। यूरोपियन, पैन एशियन, आई थिंक सिजलर विजलर सब है। सिजलर भी ट्राई किया है हम लोगों ने, तो एक बार आपको दिखाएंगे। इंडियन से डेजर्ट्स है, और ऑल ओवर व्यू अच्छा है, फूड सेक्शन में बहुत वैरायटीज हैं यहाँ पे। या आवर फूड हैज अराइव्ड। हम लोगों ने जो मंगवाया था एशियन प्लेटर्स मंगवाया था, इसमें 4 से 5 चीज़ें हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ये एक तवा रोल था, और ये नगेट्स हैं, और ये फ्राइड चाउमिन है, और ये वेज मंचूरियन है, और ये चिली पनीर है। तो ये 5 चीज़ें आपको मुझे जो पड़ी थी अराउंड 500 की पड़ी थी,
टेस्ट ऑल ओवर गुड था। देन एक हम लोग ने कूलर से मंगवाया था स्ट्रॉबेरी मोजिटो शेक, जो लोहित मंगवाया था, मैंने आपको जो वीडियो में दिखाया था, इसका भी टेस्ट अच्छा था लेकिन एज अ कम्पेयर टू रेट इतना अच्छा नहीं था जितना सोचा था। और ये ऑरेंज पीच जूस था जो हमारा आयुष ने मंगवाया था साथ में, इसका भी टेस्ट गुड था। देन आपको एक बार मैं बार सेक्शन का भी दिखा दूँ, सोचो अगर उनके साथ कंप्रोमाइज़ ना करूँ, वो भी बार लवर है, बार्स का भी रेट ओके हम लोग ने ट्राई किया नहीं, हम लोग ड्रिंक्स नहीं करते हैं, तो ये इसका सेक्शन भी अच्छा है लेकिन इसके भी सिंपल सी बात है रेट ज़्यादा है, लेकिन जो पीने वाले उन लोग के लिए तो नॉर्मल है चीज़। अराउंड 495 और 400 की रेंज में सारे पैक्स हैं, और जो भी इनका ऐसा हिसाब होता है वो है। देन आपके डोमेस्टिक है ये जो भी है फूड सेक्शन। गाइस जो कूलर्स मैंने मंगवाया था ऑरेंज पीच जूस, इसका प्राइस जो है 235 रुपीज़ है विदाउट GST, तो ये ऑल ओवर इम्पैक्ट अच्छा था लेकिन और अकॉर्डिंग टू प्राइस इतना वैल्यूबल नहीं मुझे लगा, वर्थ नहीं लगा, क्योंकि 235 प्राइस में मॉकटेल्स मुझे इतनी भाई नहीं, ना ही आयुष को अच्छा लगा। फिर भी ट्राई तो बनता है, ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बेटर है। देन साथ में आयुष से मेरे भी टेस्ट पूछा, ऑल ओवर आयुष का रिस्पॉन्स कहा था गुड, एंड लोहित को देख ली शक्ल से हैं, ऑल ओवर इम्पैक्ट अच्छा था हमें, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वीकेंड सेलिब्रेट करना है तो आनंद तो ज़रूर बनता है। और गाइस मैं अपना यूट्यूब भी दिखा देता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को प्रमोट करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा प्रमोशन बढ़ सकता है और मुझे मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। ये मेरे कुछ वीडियोस हैं जो बनाई हैं, अलग अलग ब्लॉग्स बनाए अलग अलग वीडियोस पे, सपोर्ट करें, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कर बताएं कौन सी प्लेस आप चाहते हैं। थैंक यू।